हेलो एवरीवन। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है आई वांट टू ड्राइव अ कार, जो कि सेकंड पार्ट है लॉ स्प्रिंग का, ऑथर्ड बाय अनीस जंग। ठीक है जी। तो ये सेकंड पार्ट एक अलग बच्चे की कहानी है, उसका नाम है मुकेश। इससे पहले हमने साहिब आलम की स्टोरी पढ़ी, आज हम पढ़ेंगे मुकेश की कहानी। मुकेश बेसिकली फिरोजाबाद का रहने वाला है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में आगरा के पास पड़ता है। फिरोजाबाद अपनी बैंगल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे एनी जंग की मुलाकात मुकेश से होती है। मुकेश के बारे में वो क्या जानती है, वहां पे रहने वाले लोगों के बारे में वो क्या जानती है, वो हमें इस चैप्टर से पता लगेगा। ठीक है। तो मुकेश जो है वो एनी जंग से इंसिस्ट कर रहा है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। वो कह रहा है कि मैं अपना खुद का मालिक बनूंगा। इंसिस्ट का मतलब होता है क्लेम करना या डिमांड करना। ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मालिक बनने के लिए डिमांड कर रहा है, इंसिस्ट कर रहा है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो घोषणा करते हुए कहता है कि मैं मोटो मैकेनिक बनूंगा, यानी जो मोटर अर्थात कार्स को ठीक करते हैं वो मैकेनिक बनूंगा मैं। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, एनीजन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है। आई आस्क, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। वो कहता है कि मैं कार ड्राइव करना लर्न कर लूंगा, यानी कार चलाना मैं सीख लूंगा। वो आंसर देता है लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। एनी जंग कहती है, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। लेकिन एनी जंग बोलती है, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। एनी जंग बोलती है कि मुझे उसका सपना किसकी तरह प्रतीत होता है, किसकी तरह अपियर होता है, नजर आता है, एक मिराज की तरह। मिराज का अर्थ होता है बच्चों इल्यूजन, यानी भ्रम, एन इमेजिनरी विजन। यहाँ पे ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये पिक्चर नजर आ रही है, इसमें एक रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में यदि किसी को दूर चमकती हुई रेत पानी की तरह लगे, तालाब की तरह लगे, तो वो उसका क्या होता है, भ्रम होता है। क्या होता है, भ्रम, यानी इल्यूजन। ठीक उसी प्रकार एनी जंग को भी उसका सपना एक भ्रम की तरह प्रतीत हो रहा है, एक इल्यूजन की तरह प्रतीत हो रहा है। कहाँ पे, अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल इज टाउन फिरोजाबाद। कहाँ पे, फिरोजाबाद की डस्ट से भरी हुई गलियों के अंदर। एमिट्स मतलब होता है बीच में, यानी धूल से भरी हुई गलियों के बीच में एनी जंग को मुकेश का मोटर मैकेनिक बनने का सपना मिराज यानी इल्यूजन यानी भ्रम की तरह प्रतीत हो रहा है। इसका रीजन आपको अगली लाइन में पता लगेगा। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अब जो ये क्वेश्चन आता है कि एनी जंग को मुकेश का ये सपना कि वह मोटर मैकेनिक बनेगा, उसे ये एक इल्यूजन की तरह क्यों लगा, क्योंकि इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। क्योंकि फिरोजाबाद सेंटर यानी केंद्र है, इंडिया के शीशे को ब्लो करने यानी मेल्ट करने के उद्योग का क्या है, केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नासेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। जहां पर पीढ़ियों की पीढ़ियां गुजर गई क्या काम करने में, जनरेशन की जनरेशन स्पेंट हो गई वर्किंग अराउंड फर्नासेस, भट्टियों के आसपास काम करने में। फर्नासेस का मतलब होता है बच्चों भट्टियां, ये आप देख रहे हैं पिक्चर है, फर्नासेस मतलब भट्टियां, और वेल्डिंग मतलब होता है ज्वाइन करना, जोड़ना, यानी ये चूड़ियों को वेल्ड करते हैं फर्नासेस में, भट्टियों में जोड़ते हैं, ब्लो करके ग्लास को चूड़ियां बनाते हैं। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद की बैंगल इंडस्ट्री में धरती पर रहने वाली सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिलीज अमंग देम। अब आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया कि फिरोजाबाद में एनी जंग को उसका सपना एक मिराज या इल्यूजन की तरह, एक भ्रम की तरह क्यों लगता है, क्योंकि फिरोजाबाद बेसिकली फेमस है अपने बैंगल इंडस्ट्री के लिए, और वहां पे सभी परिवार जो है वो बैंगल इंडस्ट्री में ही इंगेज है, इन्वॉल्व है, वहां पे पीढ़ियों की पीढ़ियों ने यही काम किया है। ठीक है। तो इसलिए एनी जंग को लगता है कि वह भी यही काम करेगा, इसलिए उसका सपना जो है वो एक इल्यूजन की तरह लगता है। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नासेस विद हाई टेम्परेचर। अब जहां पे ये बच्चे काम करते हैं, जिन सेल्स में, जिन डिंजी सेल्स में, डिंजी सेल्स का मतलब होता है डार्क या अंधेरे वाली सेल्स, मतलब कोठरियां, ये बहुत ही तंग अंधेरी कोठरियों में काम करते हैं विदाउट एयर एंड लाइट, जहां पे ना तो रोशनी आती है ना ही जहां पे वेंटिलेशन है यानी हवा आती है। दैट द लॉ ऑफ इनफोर्स कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नासेस। यदि यहाँ पे चाइल्ड लेबर वाला
यानी बाल श्रम वाला लॉ एनफोर्स कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे चाइल्ड लेबर वाला लॉ को एनफोर्स कर दिया जाए यानी अप्लाई कर दिया जाए या इम्पोज कर दिया जाए, तो मुकेश तो बाहर आएगा ही आएगा, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नासेस। तो मुकेश जैसे लगभग 20,000 बच्चे जो हैं इन गर्म भट्टियों से बाहर आ जाएंगे, अर्थात उन्हें बाल श्रम से मुक्ति मिलेगी। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां पे वो क्या स्लॉग करते हैं, अपने डे लाइट आवर्स को स्लॉग करते हैं। स्लॉग का मतलब होता है वर्क हार्ड, यानी बहुत मेहनत करना, यानी दिन के घंटों के दौरान भी वो वहां पे कठोर मेहनत करते हैं। ऑफ्टन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, अक्सर वो अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं इन अंधेरी भट्टियों में काम करते करते। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखों में बीम मतलब होता है फ्लैश यानी चमक, या रे मैंने किरण, मुकेश की आंखों में एक चमक आती है जब वो मुझे ये कहता है एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वो अपनी खुद सर्विस ऑफर करता है। ऑफर फ्री सर्विस इज कॉल्ड वॉलंटियर्स, यानी आप स्वयं सेवक भी बोलते हैं जो वॉलंटियर्स नहीं होते हैं, आपने कभी स्कूल में देखा होगा वॉलेंट्री सर्विस देते हैं जो। टू टेक दी होम, उसने अपने घर ले जाने के लिए मुझे ऑफर किया। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, अपने घर के बारे में उसने बहुत ही प्राउडली यानी गर्व से कहा कि मेरा घर जो है वो रीबिल्ट हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक विद गार्बेज, वो कहते हैं कि हम स्टिंकिंग मतलब होता है अनप्लेजेंट स्मेल और लेन्स मतलब होता है स्ट्रीट्स यानी गलियां, तो वो कहते हैं कि हम गंदी बदबूदार गलियों में से गुजरते हुए गए जो चौक मतलब होता है बंद हुई पड़ी थी, स्टॉप हुई पड़ी थी, किससे, गार्बेज से। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वो कहते हैं कि वहां के घर इतने पुराने थे, घर के नाम पर वो खंडर की तरह थे, होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, इस तरह की आप ये हट्स देख रहे हैं, इस तरह की झोपड़ियां थी जिनकी दीवारें क्रम्बलिंग मतलब होता है अबाउट टू फॉल यानी कोलैप्स, बिल्कुल जैसे गिरने को थी दीवारें। वॉबली डोर्स मतलब होता है मूविंग डोर्स या शेकिंग डोर्स, मूविंग एंड अनस्टेडी डोर्स। नो विंडोज, खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेबल स्टेट, वहां पर अगर आप उन घरों में देखोगे तो भीड़ लगी हुई थी, फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस थे वहां पे, एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग मतलब होता है एक साथ रहना। वहां पे देख करके ऐसा लग रहा था जैसे प्राइमेवल मतलब होता है एंशियंट, एंशियंट एज में जानवर और इंसान एक ही गुफा में रहा करते थे, ठीक उसी प्रकार वहां पर जब एनिस जंग ने हटमेंट्स में देखा तो उन्होंने पाया कि वहां पर जानवर और इंसान एक ही साथ रह रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे प्राचीन स्टेट में लोग रहा करते थे, प्राचीन स्थिति में ठीक वैसे वहां पे रह रहे हैं एक साथ, को एग्जिस्टिंग। He stops at the door of one such house. वो ऐसे ही एक घर के सामने रुक जाता है and bangs a wobbly iron door with his foot. और bang मतलब होता है with a sound of crash. और वो ठोकर मार के उस wobbly मतलब moving iron door को अपने foot से push करके खोल देता है। We enter a half-built shack. हम एक आधी बनी हुई shack मतलब होता है झोपड़ी, उसमें enter कर गए। In one part of it thatched with dead grass. इसका एक हिस्सा जो है thatched मतलब होता है covered with dead grass, यानी घास फूस से ढकी हुई इसकी रूफ या छत थी। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, और वहां पर एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ था, जो चूल्हा होता है ना जिसमें आप लकड़ी या उपले जला करके भोजन पकाते हैं, ओल्ड टाइम में यूज किया जाता था, अभी भी गांव वगैरह में यूज होता है। लेट मी शो यू इन द पिक्चर दिस सॉर्ट ऑफ चूल्हा, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था, उसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल यानी बर्तन रखा हुआ था, वेसल यानी बर्तन, जिसमें सिजलिंग मतलब होता है एक तरीके से बॉयलिंग, स्पिनेच लीफ मतलब होता है पालक के पत्ते रखे हुए थे, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, एक एल्यूमिनियम का प्लेटर मतलब होता है बिग प्लेट रखी हुई थी इस तरीके की, एंड मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उसके अंदर और भी ज्यादा छोटी छोटी कटी हुई चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक बहुत ही फ्रेल मतलब होता है कमजोर, कमजोर सी दिखने वाली महिला, एक बहुत ही वीक सी दिखने वाली महिला इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन बना रही है फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। जिस शैक में उन्होंने एंटर किया वहां पर एक कमजोर सी महिला परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही थी। थ्रू आईज विल स्मोक शी स्माइल्स, उस चूल्हे के ऊपर वो भोजन बना रही थी और उससे जो धुआं निकल रहा था वो उसकी आंखों में लग रहा था, पर फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। स्मोक इस तरीके से आप देख रहे हैं, जब आप काउ डंग या वुड को यूज करते हैं इसमें फायर के लिए, तो इस तरीके से धुआं उत्पन्न होता है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, एंड नॉट मच ओल्ड इन ईयर्स, और वो उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है, यानी बहुत उम्र की नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, घर में उसको बहू के रूप में कमांड मिलना शुरू हो गया है, बहू
इंग्लिश में द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ थ्री मैन, घर के तीन सदस्यों की वो इंचार्ज है, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसके हस्बैंड मुकेश जो कि उसका देवर है और उनके दोनों के फादर. व्हेन द ओल्ड मैन एंटर्स, तभी बुजुर्ग व्यक्ति एंटर करता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो बहुत ही पोलाइटली अपने आप को वहां से हटा लेती है, विड्रॉ कर लेती है, अलग कर लेती है और एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है. एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपने फेस के बिल्कुल क्लोज में वो अपने घूंघट को ले आती है. व्हील का मतलब होता है घूंघट कर लेना, ठीक है. एज कस्टम डिमांड्स, ये एक कस्टम है, ये एक रिवाज है, और ये रिवाज की मांग है कि क्या, कि डॉटर इन लॉ मस्ट वील योर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, यानी घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं पुरुष मेल एल्डर्स, मतलब पुरुष बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं उनके सामने घर की महिलाएं क्या कर लेती है, जब वो आते हैं तो वो अपने फेस को वील कर लेती हैं, घूंघट कर लेती हैं. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, इस केस में जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है, यानी मुकेश के फादर एक बैंगल मेकर है. इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है पुअर, ठीक है. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. Despite मतलब होता है के बावजूद, यानी long years मतलब इतने वर्षों की hard labor, यानी बहुत ही कठोर मेहनत के बावजूद भी, पहले मुकेश के फादर ने एज अ टेलर काम किया, उसके बाद उन्होंने बैंगल मेकर के रूप में भी काम किया, लेकिन पूरी जिंदगी इस प्रकार काम करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो क्या नहीं कर पाए, वो फेल हो गए, वो असफल हो गए, क्या करने में, एक घर को रिकंस्ट्रक्ट करने में, रेनोवेट करने में वो फेल हो गए. सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और ना ही वो अपने दोनों पुत्रों को अर्थात मुकेश और उसके बड़े भाई को स्कूल भेज पाए. ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, बस वो एक ही चीज मैनेज कर पाए जो वो जानते थे, क्या, उनको सिखा पाए, किनको, मुकेश और उसके बड़े भाई को, क्या सिखा पाए, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला जो वो जानते थे. It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind. अब वहाँ पे मुकेश की दादी बैठी हुई है. मुकेश की दादी क्या कहती है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को गो ब्लाइंड मतलब अंधा होते हुए देखा है विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी मुकेश के दादाजी. वो बताती हैं कि मुकेश के दादाजी को शीशे की चूड़ियों को पॉलिश करने की वजह से उन्होंने उसकी जो डस्ट होती है, जो बहुत ही छोटे छोटे कांच के पीसीस होते हैं जो डस्ट बन के आईज में चले जाते हैं, उन्होंने उसकी वजह से अपने हस्बैंड को क्या होते हुए देखा है, ब्लाइंड होते हुए देखा है, यानी उसके हस्बैंड जो है इस इंडस्ट्री में काम करते करते ब्लाइंड हो गए. डेस्टिनी मतलब भाग्य या किस्मत, यहाँ पे लिखा भी हुआ हिंदी में कर्म, जिसको कि एनिजंग बता रही है डेस्टिनी. कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर की दी गई लाइनेज मतलब होता है एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, यानी पूर्वजों से जो आपको व्यवसाय मिलता है जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी आप करते जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या कभी उसको तोड़ा जा सकता है, यानी मुकेश की दादी का ऐसा मानना है कि जो ईश्वर की तरफ से हमें वंश परंपरा दी गई है इस चूड़ी बनाने वाले प्रोफेशन में काम करने के लिए, उस परंपरा को हम नहीं तोड़ सकते, इसे नहीं तोड़ा जा सकता, इस बात को वो सजेस्ट करती है और समझाने का प्रयत्न करती है. बॉर्न इन दी कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन दी हाउस, इन दी यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, इन एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद. उन लोगों ने फिरोजाबाद में जन्म लेकर के कुछ नहीं देखा, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने देखी है तो क्या देखी है, बट बैंगल्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन हाउस मतलब घर में, यार्ड मतलब आंगन में, एवरी अदर हाउस मैंने हर घर के अंदर, फिरोजाबाद के प्रत्येक घर के अंदर, एवरी अदर यार्ड मैंने प्रत्येक आंगन में, एवरी स्ट्रीट मैंने प्रत्येक गली में कहा कि फिरोजाबाद की, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली के अंदर उन्होंने चूड़ियां देखी हैं. स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक पर्पल, एवरी कलर. वो बताती है कि हमने स्पायरल्स का मतलब होता है सर्कल, यानी घेरे रिंग्स, और बैंगल्स मैंने चूड़ियों के सनी गोल्ड सुनहरी चूड़ियां, सोने जैसे सुनहरे रंग की चूड़ियां, पैडी ग्रीन धान की फसल जैसी हरे रंग की चूड़ियां, रॉयल ब्लू शाही नीले रंग की चूड़ियां, डार्क ब्लू कलर की चूड़ियां, पिंक पर्पल एवरी कलर, प्रत्येक वो कलर की चूड़ियां जो बॉर्न आउट मैंने किसमें पैदा होता है, सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के सात रंगों में पैदा होता है. लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, ये चूड़ियों के ढेर इन आंगनों में बिखरे हुए, यार्ड्स मैंने आंगन होता है, अनकैम्प्ड मतलब बच्चों होता है, डर्टी या मैसी,
और माउंट्स का मतलब होता है पाइल या हीप, यानी ढेर के ढेर बिखरे हुए हैं इन गंदे आंगनों में, ठीक है, इनके घरों के आंगनों में। और फोर व्हील वाले हैंड कार्ट पर, हैंड कार्ट क्या होता है बच्चों, हैंड कार्ट इज दिस ठेला और रेहड़ी, ठीक है, इस पे क्या करते हैं ये लोग, इस पे भी ढेर लगा लेते हैं चूड़ियों के इसी प्रकार बेंगल्स के, और क्या करते हैं फिर इन्हें पुश करके लेके जाते हैं यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, जो छोटी छोटी तंग गलियां होती हैं, शेंटी टाउन मतलब हटमेंट्स वाले टाउन को बोलते हैं, जहां पे बहुत ही संकरे इलाके होते हैं, वहां पे इन चूड़ियों को बेचने के लिए ये इन हैंडकार्ट्स पर निकल जाते हैं। एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। और ये बच्चे शाम को अंधेरी झोपड़ियों में अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाते हैं, अपने फादर्स एंड मदर्स के साथ, किसके सामने, मतलब जो फ्लिकर करता हुआ यानी जो रोशनी हिलती रहती है ऑयल लैंप्स की, उनके सामने ये बैठ जाते हैं लड़के लड़कियां, और ये फिर क्या करते हैं, रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़कर किसमें परिवर्तित कर देते हैं, सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, वेल्डिंग मतलब जोड़ना पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, ठीक है। इस प्रकार वो बैठ करके चूड़ियां बनाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, उनकी हेल्प करते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. इन बच्चों की अंधेरी कोठरियों में या अंधेरे में काम करते करते इनकी आंखें बहुत ज्यादा एडजस्ट हो गई हैं, किससे, अंधेरे के साथ, डार्क के साथ, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी की तुलना में इन बच्चों का, चूंकि पूरा दिन किस में गुजरता है, अंधेरे में, अंधेरे फर्नेसेज में, अंधेरे हटमेंट्स में, तो इनकी आंखें जो है वो अंधेरे से ज्यादा एडजस्ट हो गई हैं इन कंपेरिजन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी की तुलना में। दैट्स वाई दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग द राइट साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि एडल्ट हो ये अपने आंखों की रोशनी को खो देते हैं, अपने आई साइड को लूज कर देते हैं, खो देते हैं। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, वहां पर एक लड़की बैठी है, उसका नाम सविता है, एनी यंग फिरोजाबाद में एक अन्य लड़की से मिलती है जिसका नाम सविता है, उसने ड्रैप का मतलब होता है कलरलेस, डल और फेडेड, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, उसने एक कलरलेस पिंक ड्रेस पहनी हुई है और उसके साथ में एक बुजुर्ग महिला भी बैठी हुई है। सविता क्या कर रही है, सोल्डरिंग मतलब जॉइनिंग द पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हाथ बहुत ही मैकेनिकली मूव कर रहे हैं, यानी लाइक टॉन्ग्स ऑफ मशीन, जैसे मशीन के पार्ट्स बहुत तेजी से चलते हैं ना किसी, जैसे प्रोडक्शन होता है चीजों का, वैसे सविता के हाथ बहुत तेजी से चल रहे हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा से प्रैक्टिस हो चुकी है काम करने की, बिल्कुल वो अभ्यस्त हो चुकी है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हैज मेड, एनीजन बोलती है कि क्या उसे उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में, सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी या पवित्रता, क्या उसे उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है जिसको बनाने में वो ओल्ड वुमेन की मदद कर रही है, हेल्प कर रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, चूड़ियां जो है वो किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है, वो भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है, शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं वो चूड़ियां पहनती हैं, तो वो भारतीय महिलाओं का के सुहाग का सिंबल है यानी प्रतीक है। और ये बहुत ही ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी के टाइम में इन्हें बहुत ही ऑस्पिशियस यानी हिंदी में तो बोलते हैं शुभ, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, इंग्लिश में आप वर्ड ले सकते हैं प्रॉमिसिंग या फेवरेबल, ठीक है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड व्हील, एनी यंग सविता को देख के कहती है कि सविता की जिंदगी में भी एक ऐसी डॉन आएगी, डॉन मतलब होता है मॉर्निंग यानी सुबह, सडनली मतलब अचानक, उसकी जिंदगी में भी अचानक एक ऐसी सुबह आएगी वन डे यानी एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्रेप विद अ रेड व्हील, जब उसका हेड यानी सिर ड्रेप यानी कवर होगा किससे, लाल रंग के घूंघट से, व्हील से, हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, और उसके हाथ जो है वो लाल होंगे क्योंकि उनके ऊपर मेहंदी सजी होगी, मेहंदी रची होगी, एंड रेड बैंगल्स रोल ऑन टू हर रिस्ट, और लाल रंग की चूड़ियां जो है वो रोल कर रही होंगी, घूम रही होंगी उसकी रिस्ट मतलब कलाइयों पर, शी विल देन बिकम अ ब्राइड, उस दिन वह एक दुल्हन बनेगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, ठीक उस महिला की तरह जो उसके साथ में बैठी हुई है, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कई वर्षों पहले बनी थी, यानी वह ओल्ड वुमेन जिस तरीके से कई वर्षों पहले एक दुल्हन बनी थी, ठीक उसी तरह सविता भी एक दिन दुल्हन बनेगी, और उसका सिर जो है वो लाल रंग के घूंघट से कवर होगा और उसके हाथों पर लाल रंग की मेहंदी लगी होगी, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, एनी यंग बताती है कि वो जो ओल्ड वुमेन है उसकी रिस्ट यानी कलाई पर अभी भी बैंगल्स हैं, उसकी कलाइयों पर अभी भी बैंगल हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, पर उसकी आंखों में रोशनी नहीं है,
एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वे ओल्ड वुमेन बोलती है कि मैंने एक बार पेट भर के खाना भी नहीं खाया अपनी लाइफ में। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, वो ऐसी आवाज में कहती है जिस आवाज से ड्रेन मतलब होता है ड्राई हो चुका है, फिनिश हो चुका है, यानी जॉय यानी खुशियां समाप्त हो चुकी हैं। वो इस प्रकार की आवाज में कहती है, शी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। यानी जंग इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है और कहती है कि उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी पेट भर के भोजन नहीं किया है। दैट्स वॉट शी हैज रीप्ड, यही उसने रीप किया है। वैसे रीप का मतलब होता है पकी हुई फसल को काटना, बट यहाँ पे है रिसीव यानी प्राप्त करना या एक्वायर्ड करना, उसने यही प्राप्त किया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, उसके हस्बैंड एक बुजुर्ग आदमी है जिनकी फ्लोइंग बियर्ड यानी लंबी दाढ़ी है। वो आ जाते हैं, सेज मतलब कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा के अतिरिक्त, मुझे बैंगल्स के अलावा और कुछ भी नहीं पता। इट मीन्स कि उसे बैंगल की प्रोफेशन के अलावा कुछ और काम नहीं आता है, वो यही प्रोफेशन के अंदर यूज टू है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, वो कहता है कि मैं पूरे जीवन काल में एक ही काम कर पाया हूँ, अपने परिवार के लिए अपनी फैमिली के लिए एक घर बना पाया हूँ। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उसे सुनकर, उस ओल्ड मैन की बातें सुनकर एनी जंग सोचती है कि किसी को भी आश्चर्य होगा इफ, वंडर्स मतलब हैरानी आश्चर्य, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, अगर ये उसने अचीव किया है। क्या अचीव किया है? कि उसने अपनी फैमिली के लिए केवल एक भर घर बनाया रहने के लिए, यानी वो सो कॉल्ड उसने एक हट बनाई है। यदि उसने उसकी अचीवमेंट यही है तो उन लोगों का क्या जो बैंगल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कई वर्षों से और वो फेल हो गए अर्थात असफल हो गए हैं, इसका मतलब तो उन लोगों के पास रहने के लिए एक घर भी नहीं है। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, वो अपने सिर पर मात्र एक छत ही बना पाया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वहां प्रत्येक घर में एक ही क्राई है, एक ही रोना है, एक ही प्रॉब्लम है। क्या? कि उन लोगों के पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, उन लोगों के पास मनी नहीं है और उन्हें केवल एक ही प्रोफेशन को कैरी ऑन करके रखना पड़ता है। और जानते हो कौन सा प्रोफेशन है, कौन सा बिजनेस है? मेकिंग बैंगल्स। नॉट इवन इनफ टू ईट, उनके पास इतना भी नहीं है कि वो ठीक से खा पाए। उनके घर में केवल रिंग्स मतलब, यहाँ पे रिंग्स के दो मतलब हैं, एक तो बैंगल्स के लिए हो सकता है सर्कल्स, या एक प्रॉब्लम्स के लिए हो सकता है। उनके घरों में रिंग्स यानी चूड़ियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं। द यंग मैन ईको द लेमेंट ऑफ द एल्डर्स, जो यंग मैन है, ईको का मतलब होता है रिसाउंड यानी गूंजना और लेमेंट का मतलब होता है वीप या क्राई ऑफ द एल्डर्स, यानी यंग मैन से बात करके अनीजन को पता लगा कि वो भी अपने एल्डर्स की तरह वीप या क्राई कर रहे हैं। उनकी आवाज में भी, उनकी बातों में भी उन्हीं की वीप या क्राई गूंज रही है, उनके एल्डर्स की, यानी अपने एल्डर्स की तरह ही वो भी केवल और केवल रो रहे हैं। मतलब कुछ बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी अनीजन बोलती है, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में, इन फिरोजाबाद समय के साथ थोड़ा बदलाव आया है। ऐसा जानते हो उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने इसलिए बोला कि मुकेश जो कि फिरोजाबाद में रहने वाला है, वो बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ ये कह रहा है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उन लोगों ने इतनी मेहनत की है कई वर्षों से लगातार, वो इसी इंडस्ट्री में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ तक कि उनकी ड्रीम करने की एबिलिटी भी क्या हो गई है, नंब हो गई है। पहले मैं आपको इनके मीनिंग समझाता हूँ। देखिए, माइंड मतलब मस्तिष्क, नम मतलब सुन हो जाना, और टॉयल मैंने मेहनत। अगर मैं इन तीनों वर्ड्स को एक साथ जोड़ूं तो क्या बनेगा? एक्सट्रीम हार्ड वर्क दैट प्रिवेंट्स एबिलिटी टू थिंक, यानी ये लोग इतनी मेहनत कर चुके हैं अपनी लाइफ में, इन्होंने इतनी मेहनत की है कि यहाँ तक इनकी सोचने की क्षमता भी जो है ना, वो क्या हो गई है, प्रिवेंट हो गई है, वो रुक गई है। ये सोच भी नहीं पा रहे हैं, सपने तक नहीं देख पा रहे हैं। लिखा भी हुआ है क्या, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, यहां तक कि उनकी सपने देखने की भी जो योग्यता है ना, और कुछ नया कुछ करने की, एक न्यू इनिशिएटिव लेने की, एक नई शुरुआत करने की, वो भी किल हो गई है, समाप्त हो गई है। किस वजह से? एक्सट्रीम हार्ड वर्क की वजह से। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कॉपरेटिव, एनीथिंग बोलती है कि आप लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो, संगठित क्यों नहीं कर लेते हो, कॉपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो। इसका मतलब होता है कलेक्टिव और कंबाइन, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को कलेक्टिव कर लीजिए, कंबाइन कर लीजिए, और आप जो अपने बैंगल्स जो आप लोग बनाते हैं वो आप कुछ इस तरीके से बेचिए मिलकर के, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो। तो क्या जवाब आता है? वो कहती है, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन
who have fallen into the vicious circle of middlemen. वो कहती है मैंने एक यंग मैन के ग्रुप यानी समूह से पूछा जो vicious मतलब होता है evil और सर्कल मतलब होता है चक्र यानी evil सर्कल यानी दुष्चक्र या कुचक्र. वो लोग किस में फंस गए हैं? कुचक्र में फंस गए हैं. किस चीज के कुचक्र में फंस गए हैं? ऑफ मिडलमैन यानी दलालों के, एजेंट्स के. हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फो फादर्स, जिन्होंने उनके फादर्स को और फो फादर्स मतलब होता है पूर्वजों को ट्रैप कर लिया था, फंसा लिया था. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप. वो कहते हैं कि यदि हम अपने आप को संगठित, मतलब उनमें से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि यदि हम अपने आप को संगठित कर भी लेते हैं ना तो हमें होल्ड अप किया जाता है, मतलब हमें जबरदस्ती सजा दी जाती है. होल्ड अप का मतलब होता है फोर्स टू पनिश, जबरदस्ती सजा देना, मजबूर करना, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा बीटन, हमें पीटा जाता है. एंड ड्रैग टू जेल, और हमें घसीट के जेल में डाल दिया जाता है फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, जैसे हमने कोई गैर कानूनी काम कर दिया हो. जब एनीजम उनसे पूछती है कि आप अपनी एक संस्था या संगठन बना लीजिए जिससे कि आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग एक ऐसे कुचक्र या दुष्चक्र में फंसे हुए हैं मिडलमैन के यानी एजेंट्स के, डीलर्स के, जिन लोगों ने हमें भी फंसाया, हमारे फादर्स एंड फो फादर्स को भी फंसाया. और वो कहते हैं कि यदि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें, संगठित कर लें, अपनी कोई संस्था बना लें, कोऑपरेटिव बना लें, तो हम लोगों को होल्ड अप मतलब होता है पनिश किया जाता है, फोर्स किया जाता है, हमें पीटा जाता है और घसीट के जेल में डाल दिया जाता है जैसे हमने कुछ इलीगल कर दिया हो या गैर कानूनी कर दिया हो. दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम. वो कहते हैं हमारे बीच कोई नेता नहीं है, हमारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. हमारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके चीजों को अलग नजरिए से देखने में, जो हमारे नजरिए या हमारे दृष्टिकोण को बदल सके, ऐसा हमारे बीच कोई नेता नहीं है. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. उनके फादर्स भी उतने ही थक चुके हैं जितने कि वे थक गिव अप कर चुके हैं. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी. और वो कभी ना समाप्त होने वाली घुमावदार बातें करते हैं, स्पाइरल वाली बातें करते हैं, जो मूव मतलब घूमती रहती हैं फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. यानी बात तो उनकी प्रारंभ गरीबी से होती है, गरीबी से बात एपैथी मतलब होता है इनडिफरेंस यानी उपेक्षा या इग्नोरेंस, अज्ञानता. फिर बातें यहां पर जाती हैं, फिर बातें आगे बढ़ते हुए लालच पर आती हैं, और उसके बाद बातें अन्याय पर पहुंचती हैं. इस प्रकार की वो बातें करते हैं. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स. एनीजंग बोलते हैं कि उन लोगों की बातें सुनकर के वहां पर मैंने दो प्रकार के संसार का अनुभव किया, दो अलग अलग वर्ल्ड का अनुभव किया. डिस्टिंक्ट मतलब होता है क्लियर या डिफरेंट. वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन. एक तो ऐसे परिवार का, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा परिवार जो वेब मतलब जाल में फंसा हुआ है, किसके, गरीबी के. और वो बर्डन मतलब उसने अपने ऊपर एक बोझ लिया हुआ है. किस चीज का बोझ लिया हुआ है उसने अपने ऊपर? बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट. यानी स्टिग्मा मतलब होता है मार्क या स्टेन, यानी ब्लॉट, धब्बा. यानी वो अपने ऊपर ना एक ऐसा ब्लॉट, एक ऐसा स्टेन लेके बैठे हुए हैं. किस चीज का? कास्ट का, जिसमें वो पैदा हुए हैं. इन विच दे आर बॉर्न. यानी एनीजंग बोलती है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर ये स्टिग्मा लेके बैठे हुए हैं, ये मार्क लेके बैठे हुए हैं, भैया हम तो किसने पैदा हुए हैं, बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं, तो ये हमारा एंसेस्ट्रल प्रोफेशन है, ये गॉड गिवन लाइनेज है जो हमें कैरी ऑन करना ही होगा, हम इसे नहीं छोड़ सकते. जैसा कि हम एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं मुकेश की दादी. द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पॉलिश मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. और दूसरा सर्कल किनका है? दूसरा सर्कल है, दूसरा चक्र है किसका? साहूकार्स का, बनियों का, मिडिल मैन मतलब दलालों का, पॉलिशमैन का, एंड द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून के जो रखवाले होते हैं पॉलिशमैन उनका, द ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, उच्च नौकरशाह यानी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, और ये सब पॉलिटिशियंस, ये इन सबका नेक्सस है, ये सभी मिले हुए हैं और इन सब ने मिलकर के इन्हें अपनी वेब यानी जाल में फंसा दिया, इविल विशेष सर्कल में फंसा दिया, इविल सर्कल में फंसा दिया है. टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज. इन सब ने इनके ऊपर मिलकर के एक बैगेज यानी बर्डन को इम्पोज कर दिया है, थोप दिया है, लाद दिया है ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन. ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे पर जबरदस्ती कोई बर्डन या कोई बैगेज थोप दिया जाता है, लाद दिया जाता है, और वो अपनी मर्जी से उसे रख भी नहीं सकता है,
ऐसा ही व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है। बिफोर इज अवेयर, इससे पहले कि वो बच्चा अवेयर हो, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज इज फादर, वो इसको ठीक वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, वैसे ही स्वीकार कर लेता है, उतना ही नेचुरली, उतना ही स्वाभाविक तरीके से जैसा कि उसके पिता ने या उसके पूर्वजों ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, उस बच्चे के लिए कुछ और करना मतलब हिम्मत करने के बराबर होगा, कुछ अलग हटके करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उस बच्चे के लिए अगर वो ग्रो अप कर रहा है फिरोजाबाद में, तो वहां पे हिम्मत करना पार्ट नहीं है। अर्थात उस बच्चे के लिए जो वहां पर उस कुचक्र में फंस चुका है, उस इविल सर्कल में फंस चुका है, उन दो अलग अलग वर्ल्ड में फंस चुका है, एक फैमिली के जहां पर फैमिली ये मान के चलते हैं कि हम इस कास्ट में पैदा हुए हैं तो ये हमारा एंसेस्ट्रल प्रोफेशन है और हम इसे कैरी ऑन करेंगे, दूसरा यदि कुछ और करने की कोई कोशिश भी करता है तो उसे पुलिसमैन एंड साहूकार ये सब जितने भी इनका नेक्सस है या इविल सर्कल है वो उसे करने नहीं देते। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति कुछ और यहाँ पे करना भी चाहे, कोई बच्चा करना भी चाहे, तो उसके लिए उसके मन में बहुत अधिक हिम्मत होनी चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए जो कि वहां पे ग्रो अप करने का, यानी बिकमिंग एन अडल्ट, अडल्ट होते हुए ऐसा बच्चा कोई सोच नहीं सकता। बट अनिजन कहती है, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, पर जब मैं इसकी एक झलक देखती हूँ, किसमें, मुकेश में देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, मुझे खुशी होती है, मैं खुश हुई, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, जहां से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी जिस डायलॉग से वापस वहीं आ गई, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वह अपनी बात को रिपीट करता है, ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, वो गैरेज जाकर के मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा, ऐसा वह कहता है, पर गैरेज तो उसके घर से लॉन्ग वे मतलब बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो इंसिस्ट करते हुए कहता है, वो क्लेम करते हुए कहता है कि मैं वॉक करके जाऊंगा। Do you also dream of flying a plane? Anisha उससे पूछती है, क्या तुम्हारा स्वप्न प्लेन उड़ाने का भी है? He is suddenly silent. Anisha के इस क्वेश्चन पर वो अचानक साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है। No, he says. फिर वो कहता है नहीं, staring at the ground, जमीन को घूरते हुए, जमीन को देखते हुए कहता है नहीं। In his small murmur, उसकी इस small मैंने छोटी सी लो वॉइस के अंदर जो says something in स्मॉल वॉइस या लो वॉइस, यानी धीमी आवाज में जो वो कह रहा है, देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, एक शर्मिंदगी तो है, एक एम्बैरेसमेंट तो है, किस चीज की एम्बैरेसमेंट, कि वो प्लेन नहीं उड़ा पाएगा, इसकी एक शर्मिंदगी तो है, पर हाँ यहाँ पर एक, पर ये शर्मिंदगी किसमें कन्वर्ट नहीं हुई है, रिग्रेट यानी पछतावे में या दुख में। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, वो कंटेंट मतलब संतुष्ट है, किससे, उन कारों के स्वप्न को देख करके ही संतुष्ट है जो वो देखता है, हर्टलिंग डाउन मतलब होता है मूविंग विद स्पीड, यानी तीव्र गति से जो आती जाती कार हैं उनको वो देखता है अपनी गली में या अपने टाउन में, उन कारों के सपने को देखकर ही संतुष्ट है वो। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, बट अनिजन आखिरी में ये लाइन ऐड करती है कि कुछ एयरप्लेन्स भी फिरोजाबाद में के आसमान में ऊपर उड़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आज इस माहौल में जहां पर कोई फिरोजाबाद में कुछ अलग करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, वहां मुकेश जैसा बच्चा एटलीस्ट इतना तो डेयर कर रहा है कि वो कार चलाने का सपना या मोटर मैकेनिक बनने का सपना देख रहा है, मतलब वो अपने एंसेस्ट्रल प्रोफेशन से हटके कुछ डिफरेंट करने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन ये जो लाइन ऐड की गई है ना लास्ट में, फ्यू एयरप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, इसका ये अर्थ निकलता है कि कुछ एरोप्लेन भी फिरोजाबाद के आसमान में उड़ते हैं, फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हैं। इससे ये बताना चाहती है अनिजन कि आज अगर मुकेश जैसा बच्चा अपने आसपास के माहौल में कारों को देखते हुए, जो तीव्र गति से कारें आती जाती हैं स्पीड के साथ उसके टाउन में या गलियों में, उनको देख करके वो कुछ अलग करने की हिम्मत कर पा रहा है, तो आने वाली पीढ़ी जो है वो थोड़ा हट करके देखेगी, उससे आगे देखेगी, हो सकता है कुछ आसमान में देखें और कुछ उनके सपने भी आसमान की ऊंचाइयों की तरह हो और वो कुछ और नया करने की सोचें। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।